हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग आज के साथ, मैं हूं सबाशी और मैं हूं अनम काजमी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। जी हाँ, एंजॉय भी कर रहे होंगे और कल का दिन भी आपने बहुत एंजॉय किया होगा क्योंकि कल के दिन भी जो है वो सियासी दिन बनाया गया और आपने देखा कि किस तरीके से इमरान खान ने जलसे में खूब तनकीद की और तनकीद के तीर चलाए नून लीग पर, किस तरीके से उन्होंने अपनी पुलिस के बारे में बात की कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पुलिस को रिफॉर्म किया है। तो संडे का दिन जो होता है वो यूजुअली यही होता था कि खबरें जो है उस दिन कम होती हैं, उस दिन यही देखा जाता है कि जी मजे मजे की लाइटर खबरें आ रही होती हैं, लेकिन आजकल जो संडेज हैं उनमें भी बहुत ज्यादा जो है वो सियासी गहमा गहमी जारी रहती है। जमात इस्लामी के अमीर ने भी खिताब किया, साथ साथ इमरान खान भी जलसे कर रहे होते हैं, नून लीग भी कहीं बिजी दिखाई दे रही होती है। और नून लीग से याद आया कि आज नून लीग के हवाले से नवाज शरीफ और मरियम नवाज की एहतसाब अदालत में पेशी, जिस पर 1 बजे तक ये मुलतवी कर दी गई है क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आना है और उस फैसले में आज ये फैसला भी होना है कि ये तीनों रेफरेंसेस जो हैं वो यकजा किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। लेकिन देखना यह है कि यकजा करने के बाद क्या होता है। कहा तो यही जा रहा है नून लीग की जानिब से कि तीनों रेफरेंसेस यकजा कर दिए जाएं, लेकिन अदालत का इस पर अपना अलग से स्टांस है। तो हम बात कर रहे थे सियासी गहमा गहमी के हवाले से, तो जहां पर नून लीग की सियासत में हमें जारहाना पॉलिसी नजर आती है वहीं वहां पर दो ग्रुप्स हैं। एक कहता है कि मुफाहमत कर लो, दूसरा कहता है कि मुजाहमत की पॉलिसी इख्तियार करो। लेकिन आज कुछ नया होने जा रहा है, आज कुछ अलग होने जा रहा है। एक दफा फिर से नून लीग को जरूरत पड़ गई है एक और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाने की, जिसका आज इजलास हो रहा है और आज ये पहली दफ़ा इस कमेटी का इजलास होगा। इससे पहले भी इनकी कई इस तरह की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ बनी है, लेकिन अब जो कमेटी बनी है उसमें नई बात यह है कि उसमें मरियम नवाज शरीफ का नाम भी शामिल है और उसी हवाले से उनको ट्विटर पर मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी है। तो इसी हवाले से आज शो में भी बात करेंगे कि इस कमेटी के बनाने का मकसद क्या है और साथ साथ आपको बताएंगे कि समाअत में क्या सूरत हाल है, जेम्स मैटिस आ रहे हैं हमारे पास क्या है उनको बताने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो यही कहा है कि प्रैग्मेटिक रिलेशनशिप चाहते हैं पाकिस्तान से। बिल्कुल जनाब, सियासी मंजरनामे में क्या कुछ होता रहा कल से लेकर आज तक, जो जो अपडेट थी उस हवाले से सबा ने आपको बताया, बट लाइटर नोट में क्या कुछ होता रहा। तो कल का दिन बड़ा खास था तमाम सिंधियों के लिए क्योंकि सिंधी सकाफत का दिन मनाया गया बड़े ही खुशगवार तरीके से और ऐसा लग रहा था कि जैसे ईद का समय है। तो बड़ी अच्छी बात थी कि इस तरह के सकाफतों के जो दिन हैं वो मनाए जाते हैं और उसमें लोग बड़ा भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तो काफ़ी कलरफुल जो है वो इस बार का हमारा संडे रहा। उसके अलावा एक अच्छी खबर जो कल हमें देखने में आई और वो रात 12 बजे हमारे सामने आई, वो ये कि ऐलान किया गया हुकूमत की जानिब से कि मुल्क भर से लोड शेडिंग का खात्मा हो गया और अब सिर्फ लोड शेडिंग वही होगी जहां पर चोरी की जाएगी। तो एक अच्छी खबर से मैंने सोचा आज के शो का आगाज हमें करना चाहिए, जो कि अच्छी बात है कि अगर इस तरह के ऐलान किए गए और हुकूमत की जानिब से जो भी दावे किए जा रहे थे कि हमारे दौरे हुकूमत के दरमियान हम दहशतगर्दी खत्म कर देंगे, लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे, सड़कों का जाल बिछा देंगे, तो हुकूमत समवेयर अपने दावे पूरे करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी तो ऐलान किया गया है, सूरत हाल कितनी वाजे होती है और कब तक वाजे होती है, वाकई में लोड शेडिंग की जा रही है या नहीं, ये तो सामने आ ही जाएगा। इसके अलावा जनाब, लोड शेडिंग के अलावा कल एक और बड़ा अच्छा और जबरदस्त ऐलान किया गया, वो था लाहौर के हवाले से, जहां पर लाहौर में एक अंडरपास बनाया गया 1.3 किलोमीटर, ये लंबा इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो अंडरपास है वो लाहौर के अंदर तामीर किया गया है, जिसका कल इफ्तिताह किया शहबाज शरीफ साहब ने और उन्होंने इसका नाम बीजिंग ब्रिज भी रखा है। और ये नाम रखने के पीछे पाकिस्तान और जो चीन की दोस्ती है उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए नाम रखा गया, जो कि बड़ी अच्छी एक काविश भी थी। इसके अलावा आज अगर समातों के हवाले से कुछ डिस्कशन करें हम, तो आज नवाज शरीफ और मरियम नवाज की एहतसाब अदालत में पेशी भी है और उसके साथ साथ हमने देखा कि आज इसहाक डार की भी पेशी है और जो भी पेशी में ओवरऑल सूरत हाल बनेगी ये तो आपको बताएंगे, लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज अभी अदालत में पेश भी हुए, उन्होंने अपनी हाजिरी जो है वहां पर लगाई है और उसके बाद कहा जा रहा है कि समात 1 बजे तक मुलतवी हो गई है। तो जो भी अपडेट्स इस हवाले से आएंगी हम आपको जरूर आगाह भी रखेंगे। साथ ही साथ जनाब, आप अभी लोड शेडिंग वाले से बात कर रही थी, आप कंटिन्यू करिएगा अपनी डिस्कशन, लेकिन लोड शेडिंग के हवाले से मेरे जहन में एक चीज आई कि कल मैं डिनर कर रही थी जिस टाइम ये खबर मुझे सुनाई दी गई कि जी 12 बजे के बाद पाकिस्तान लोड शेडिंग फ्री हो जाएगा और ये कहा गया है कि जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है वहां पर 2 से 4 घंटे जो है वो लोड शेडिंग होगी। तो ऐसा क्यों करेंगे कि जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है वहां आप लोड शेडिंग करेंगे? अगर मेरा पड़ोसी बिजली चोरी कर रहा है तो उसमें मेरा क्या कसूर, मैं तो नहीं कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल में आपको इसके लिए कोई इंस्टेंट इकदाम उठाने चाहिए और जिस जगह बिजली चोरी हो रही है या जो सर्टन पर्सन या जो सर्टन लोग बिजली
चोरी कर रहे हैं आपको उनके खिलाफ क्रैक डाउन करना चाहिए, पूरे एरिया को जो है उस मुसीबत में आपको नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल, मैं एक्सपेक्ट ऐसे कर रही थी सबा कि आप कहेंगे कि शायद मैं जब डिनर कर रही थी उसी टाइम लाइट चली गई। ये तो सूरत हाल रही है, लेकिन कराची के अंदर खुंडा सिस्टम इतना ज्यादा है कि इसको मेरा खाला कवर करना और इस पर काबू पाना बड़ा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे, जिसमें सबसे पहले रुख करेंगे हम लाहौर का और जानेंगे कि लाहौर में आज क्या क्या एक्टिविटीज होने जा रही है। लाहौर से हुमा भट्ट हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। हेलो हुमा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास आज के दिन की लाहौर के लिए? हुमा, अब तक हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। और आज दिन का आगाज़ यकीनन हम लोग देखते हैं कि हर दफ़ा ही प्रोटेस्ट जो है वो दिन का आगाज़ करते हैं, तो आज का दिन का भी आगाज़ जो है वो प्रोटेस्ट से ही होने वाला है, और वो है रेलवे मुलाज़मीन का प्रोटेस्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन जो हैं वो अपने मुलाज़मतों की मुस्तकली के लिए आज प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो आज उन्हें देखेंगे हम लोग रेलवे हेडक्वार्टर्स में प्रोटेस्ट करते हुए, और इसके अलावा हम लोग देखेंगे एहसन इकबाल वज़ीर दाखिला जो हैं पाकिस्तान के, वो आज एक तकरीब में यहाँ पर पहुँचेंगे और यकीनन एक अहम जो हम लोग देखते हैं उनके गुफ्तगू में सबसे पहली बात जो है वो तो इक्तसादी राहदारी जो है उसके ऊपर बात होती है, और इसके अलावा जो आजकल के इश्यूज चल रहे हैं स्पेशली ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे ओवरऑल जो दहशतगर्दी से पाकिस्तान जो है, इक्तसादी राहदारी के अलावा और किन उमूर के ऊपर बातचीत करने वाले हैं आज? जी बिल्कुल, एहसन इकबाल जो है उनकी क्योंकि एक ऑडिटोरियम में वो इस वक्त खिताब करेंगे, तो खिताब में यकीनन पहले तो स्टूडेंट के साथ ही खिताब होगा, स्टूडेंट से बात की जाएगी, लेकिन उसके बाद उनकी जो मीडिया टॉक होगी वो यकीनन होगी जो आजकल स्पेशली दाखिली जो अमूर हैं उसके ऊपर बात होगी, और स्पेशली जो आजकल दहशतगर्दी के बार बार हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अलर्ट्स भी, हम लोगों को थ्रेट्स भी बहुत सी ज़्यादा बहुत सी मिल रही है, जिसकी वजह से स्कूल्स को भी बहुत दफा कहा गया हुआ है कि वो अपनी जो सिक्योरिटी है वो बेहतर करें, तो इसी तरह सिक्योरिटी उमूर पर हम लोग देखते हैं कि वो बात भी करते हैं। और इसके अलावा इमरान खान और जितने भी अपोजिशन जमाते हैं उनको भी तनकीद का निशाना ज़रूर बनाया जाता है, तो आज हम लोग उनकी तकरीर में और उनकी जो मीडिया टॉक है उसमें इनके इस हवाले से ज़रूर कोई ना कोई अहम बयान ज़रूर सुनेंगे। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि आगे हॉकी फेडरेशन की तरफ से एक अहम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है, तो आज के अमूर जो है मेन जो होगा वो सबसे ज़्यादा अहम जो है वो तो प्रोटेस्ट ही होगा। प्रोटेस्ट जो है वो ना सिर्फ यहाँ पर जो रेलवे हेडक्वार्टर्स के लोग जो हैं वो कर रहे हैं, इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं एलाइड हेल्थ स्टाफ जो है वो भी इस वक्त प्रोटेस्ट करने वाला है अपने रेलवे मुलाजमीन भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे, एहसन इकबाल की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, और साथ साथ एक और बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात भी की है कि वहाँ पर जो एलाइड हेल्थ वाले हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो लाहौर में हेल्थ वाले इतना प्रोटेस्ट करते हैं लेट्स सी कि अब क्या होने वाला है, और रेलवे मुलाजमीन प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनका कुछ ना कुछ अब बन जाना चाहिए, क्योंकि 18 करीब है और नून लीग जो है वो पूरे मूड में है कि वो तरक्याती मनसूबों के हवाले से अब काम करें। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जितना ये लोग ध्यान सड़कों पर देते हैं, जितना पासिस पर ध्यान देते हैं, उतना अगर आप हेल्थ सेक्टर पर ध्यान दें तो मेरा ख्याल है कि आयरोज इस तरह के एहतजाज ना हो, बल्कि सूरत हाल जो है वो काफी बेहतर हो। आयरोज के भी हम देखते हैं यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, कभी अब अलाइड वाले एहतजाज कर रहे हैं, तो आज लाहौर के हवाले से मेरा ख्याल है सिर्फ एहतजाज की खबरें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, वफाकी दारुल हुकूमत का जो है वो रुख करते हैं, वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद, और आसिफ नवीद से पूछते हैं कि आसिफ नवीद बताइए, इस समात में 1 बजे तक का वक्फा दिया गया है और क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं, क्या मनाजिर हैं आपके इतराफ? देखिए यहाँ पर एक आज सबसे अहम जो था इस शहर इक्तदार में वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नैब रेफरेंसेस की कार्रवाई थी। आज जिस वक्त मामूल की कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ने सदा की कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जेर समात है उसका फैसला आज आना है, जिसमें तीनों रेफरेंसेज को यकजा करने की सदा की गई है, तहम वो अदालत इस हवाले से अपना फैसला देगी, जब तक वो फैसला नहीं आता मामूल की कार्रवाई को रोक दिया जाए। तहम अदालत ने उसमें समात में जो है कुछ वक्त के लिए वक्फा किया, कुछ आयाम के लिए नहीं किया, तो तहम 1 बजे दोबारा समात होगी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा, तो अब देखना होगा ये होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है। अगर तो तीनों रेफरेंसेस को यकजा कर दिया जाता है तो बिल्कुल यहाँ पर कार्रवाई तब्दील हो जाएगी, और यकीनन तीनों रेफरेंसेस दोबारा नैब हुकाम उसको नैब प्रोसिक्यूशन टीम उसको तीनों रेफरेंसेज दोबारा यहाँ पर दाखिल किए जाएंगे, तो तमाम अब जो अगली कार्रवाई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मुनसर है कि वो क्या फैसला देती है। दूसरी जानब अगर हम बात करें तो जो हाजिर ससना की दरख्वास्त है उस पर भी महफूज जुदा फैसला आज 1 बजे सुनाया जा सकता है, जो नैब कोर्ट ने सुनाना है, और ताम ये बताएगा क्या एक्सपेक्टेड है, कब तक हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आ जाएगा इस हवाले से, रेफरेंसेस यकजा करने के हवाले से?
देखिए जो सिंगल रुकनी बेंच होता है वो समाप्त करता है 9 से लेकर 11 बजे तक। 11 बजे डिविजनल बेंच बैठता है, चूंकि ये फैसला जो महफूज किया है डिविजनल बेंच ने किया, तो 11 बजे डिविजनल बेंच बैठेगा। तो उसके बाद वो कभी इम्कान है कि 12 बजे तक फैसला जारी कर दिया जाएगा, चूंकि कॉज लिस्ट में शामिल है कि आज इसका फैसला सुनाया जाना है। तमाम अब कभी इम्कान यही है कि 12 बजे के करीब जो है वो फैसला जारी हो जाएगा। तो इसी वजह से समाप्त का जो वक्फा दिया गया वो 1 बजे तक देखा गया, ताकि जो भी फैसला आना है उसके बाद जो है अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाए, हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा। और इसी के पेश नजर जो है वो 1 बजे तक समाप्त मुलतवी की गई है। आसिफ नवीद, ओवरऑल अगर आज की समाप्त के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त जो शरीफ फैमिली है, मरियम नवाज है या फिर नवाज शरीफ है, वो इस वक्त कहाँ मौजूद है? क्या उनकी जानिब से कोई मीडिया टॉक की गई या पंजाब हाउस में किसी किस्म का कोई ब्रीफिंग, कोई इजलास मुतवक्के है? क्योंकि आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है। देखिए आज सबसे अहम जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाहली के बाद, कहा जा रहा है ये पहला बाज़ाब्ता इजलास है जो तलब किया गया, जिसकी सदारत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद करेंगे। 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, सबसे अहम यही है। उससे पहले अगर हम बात करें मियां मोहम्मद नवाज की मीडिया टाक की, तो यहाँ हमने बहुत कोशिश की कि वो बात कर लें, लेकिन एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया जब उनसे पूछा गया कि इमरान खान और जहांगीर तरीन का केस का फैसला भी आने वाला है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने एक जुमले में उस फैसले का बताया कि उन्होंने कहा कि इसहाक डार और इमरान खान के खिलाफ भी फैसला लगता है, मेरे खिलाफ ही, उनका फैसला भी मेरे खिलाफ ही आएगा। तो बस इसके बाद उन्होंने ज्यादा बातचीत नहीं की और पंजाब हाउस रवाना हो गए। वहाँ पर अब वो मामूल की जो मुलाकातें हैं उनका सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि कायदीन क्यादत को तलब कर रखा है। तमाम क्यादत यकीनन आज उनसे फर्दन भी मुलाकातें करेगी जो उनके शेड्यूल में मौजूद हैं। और उसके अलावा जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है जिसकी सदारत करेंगे, और आइंदा के सियासी लाए अमल का जिसमें आज ऐलान किया जाएगा। बताएगा कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज जो है वो अभी अदालत पहुंचे थे, अपनी हाजिरी तो उन्होंने लगा दी है, अब 1 बजे जो समाअत होगी, क्या कहा जा रहा है कि उसमें दोबारा इनकी आमद मुतवक्के है? देखें जब मुल्जमान एक दफ़ा अदालत के सामने रूबरू पेश हो जाते हैं, अपनी हाजिरी लगवा देते हैं, तो उसमें अदालती इस्तेहकाक होता है कि अदालत उनको रुकने के कहे या उनको जाने दे। तहम यहाँ से उनको जाने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन दोबारा बुलाने के हवाले से जो है हदायत जारी नहीं की गई। नैब प्रोसिक्यूशन जब हमने जब बात की तो उनका ये कहना था कि अदालत ने उनको जाने के लिए कहा जरूर है, लेकिन दोबारा आने का होना तो यही चाहिए कि मुल्जिम दोबारा पेश हो, लेकिन ये अदालती इस्तेहकाक है कि अदालत उनकी दोबारा हाजिरी को लिए यहाँ पर अदालत से उनको जाने की इजाजत दे दी है। अच्छा आसिफ नवीद, ये बताइएगा कि आज क्योंकि इंतहाई अहम इजलास है मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, कौन कौन आज इस इजलास में शिरकत कर रहा है? क्या चौधरी निसार भी आएंगे? यकीनन चौधरी निसार का भी नाम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल है और टॉप 5 में उनका नाम शामिल है, तो उनका आना तो बनता है। लेकिन चूंकि सियासी जो पंडित हैं उनका ये कहना है कि चूंकि दूनी खाना शायद थोड़ी बहुत मुखालफत चल रही है, उसकी वजह से शायद वो रंजिशें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में चूँकि सारी आला क्यादत मुल्क भर से आती है, 27 रुकनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है शायद, उसमें तमाम लोग शिरकत करेंगे, तो यकीनन चौधरी निसार को भी शिरकत करना लाजमी होगी, क्योंकि अहम तरीन इजलास है। आज अगले सियासी लाइमल का ऐलान होगा, कानूनी टीम भी से भी आज उनकी चूंकि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से पहले मुशावरत होगी, उसके बाद जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में केस तमाम सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। साहब अदालत में शरीफ फैमिली की आज पेशी हुई है और समाअत जो है वो 1 बजे तक मुलतवी हो गई है, जबकि कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से 12 बजे तक फैसला आ जाएगा, जिसके बाद मजीद जो है वो इस कार्रवाई को का आगाज एक बार फिर से किया जाएगा। इसके अलावा आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी इजलास होने जा रहा है और साथ साथ शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हो रही है नवाज शरीफ से, और उसके साथ साथ ये भी अपडेट आ रही है, मौसूल हो रही है कि कल हो सकता है कि वो लंदन जो है नवाज शरीफ साहब रवाना हो जाए। तो ओवरऑल जो भी सिचुएशन बनती जा रही है इस हवाले से वक्तन फवक्तन आपको अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल अपडेट भी करते रहेंगे और अभी भी आपको अपडेट ही कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आज जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा। और नून लीग के लिए आज बड़ा दिन इसलिए है कि उसमें मरियम नवाज का भी नाम शामिल किया गया है। ट्विटर ट्रेंड देखें तो लोगों ने मुबारकबाद के ढेर लगा दिए हैं और साथ साथ ये कहा है कि उन्होंने पार्टी के लिए जितनी मेहनत की है, पार्टी के लिए जिस तरीके से वो खड़ी हुई हैं, तो वो काबिले जिक्र है और उनका नाम तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में होना चाहिए था। लेकिन कॉमन सेंस की बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि नून लीग अब किस मूड में है? क्या वो इलेक्शन के मूड की तैयारी कर रही है या फिर वो अपने अपोजिशन जमातों को जवाब देने की तैयारी कर रही है? ये तो जब हम किसी सियासी रहनुमा को लेंगे तो उससे ही पूछेंगे, लेकिन नून लीग के इस इजलास को आज इंतहाई अहमियत हासिल है क्योंकि दूसरी ही जानब जेम्स मैटिस भी जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उनके लिए हमने क्या तैयारी की है, उनको आज हमने कैसे कन्विंस करना है, क्योंकि ये पहली
पहली दफा पेंटागन के जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी हैं जो कि पाकिस्तान आ रहे हैं बातचीत करने के लिए, और अपना स्टांस भी उन्होंने पहले ही वाजे कर दिया आने से पहले। तो इस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का कहीं जाएगा मैं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और जनाब समातों का दौर दौरा है, आज भी एक अहम समात, उसके अलावा एक और समात होने जा रही है सागधार की भी, और इन तमाम समातों के ऊपर जो है बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया शौकत बसरा साहब ने पीपल्स पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम सर, एंड वेलकम टू द शो, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह का करम है। अच्छा शौकत साहब, आपसे जानना चाहेंगे ये जो दौर चल रहा है, ये समातों का दौर है, ओवरऑल हर पार्टी जो है वो अपनी जो सूरत हाल है उसको मजबूत रखने के लिए, उसको इंटैक्ट रखने के लिए जो है वो अपनी अपनी कोशिशें कर रही हैं। इस वक्त अगर नून लीग की खसूसी तौर पर बात की जाए, क्या सिचुएशन नज़र आती है, जो समातें चल रही हैं किस तरह के फैसले मुतवक्के हैं? देखिए जहाँ तक कोर्ट की समात का तलक है, मुस्लिम लीग नून ने तो इस वक्त जिस अंदाज में कोर्ट के साथ उनका बिहेवियर है, कम अज कम अपने इदारों के साथ इस तरह नहीं करती है। हुकूमत तो हमलावर हो चुकी है आपकी अदलिया पर, और जिस अंदाज में आप देखिए कोटा में उन्होंने तकरीर की, अब सारी तकरीर उनके इकाल ने, इस वक्त हुकूमत ने बिल्कुल वो रवैया अख्तियार किया हुआ है जिस तरह वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये अदालतें नहीं है, ये कोई राइवल के हमारे अपने घर की अदालतें हैं जिनके मुतल्लिक जो मर्जी गुफ्तगू करें, और उनके मुतल्लिक जिस तरह तमस्कर उड़ाया जा रहा है उसकी रीजन क्या है? देख लीजिए कि वो मुल्क में इस वक्त जिस अनारकी और इंतशार को वो फैलाना चाहते हैं अपने रवैये से, अपने एक्शन से, वो आप सबके सामने है। उसकी वजह सिर्फ यह है, ओपन एंड शट केसेस है। डेढ़ साल पहले जब ये मामला आए, इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, और अब सिर्फ और सिवाय बहतानबाजी के हमें क्यों निकाला, हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे साथ जुल्म हुआ, नैरेटिव ये बनाना चाहते हैं कि शायद ये इनके खिलाफ जो है सोची समझी फैसला जिसका वो बार बार कह रहे हैं। लेकिन अगर इनके पास कोई सबूत होते, अगर इनके पास कोई एविडेंस होती, तो आज डेढ़ साल गुजर गया है, जीआईटी बनी, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती रही। अब आप देख लीजिए, कभी इस तरह भी होता है कि आपके वजीर खजाना किसी भी मुल्क का इश्तिहारी और मशहूर हो, एक वजीर तीन दफा पाकिस्तान के बनने वाले वजीर आजम के बच्चे मकबूल इश्तिहारी हों, और उसकी बेटी और वो खुद और उसका एक भाई जो वजीर आला पंजाब है, और इस वक्त जो वजीर आजम पाकिस्तान है, जो वजीर दाखिला, तमाम के तमाम लोग इस वक्त वो इस तरह अंदाज में हमारे पाकिस्तान के इदारों पे फौज और अदलिया के खिलाफ महाजराई शुरू किए हुए हैं, जबकि इस वक्त हमारे बॉर्डर पे जो सूरत हाल है, जो खुद कुछ धमाके हो रहे हैं, और वो नैरेटिव जो मोदी का तो हो सकता है। अच्छा शौकत बसरा साहब, नून लीग की जो ओवरऑल पॉलिसी है, हम देख रहे हैं कि जब से पनामा लीग्स का फैसला आया है तो मुझे क्यों निकाला की पॉलिसी पे वो गामजन है, और इसी के थ्रू जो है वो जलसे भी कर रहे हैं, और जितनी भी उनकी कमेटियां हैं उसमें वो सफाइयां भी पेश कर रहे हैं कि जी ऐसा नहीं था, अकामा पे था, पनामा पे था, ये सारी सूरत हाल एक तरफ है। कल अगर साद रफीक की आप गुफ्तगू को देखें तो उन्होंने जो है नाम लिए बगैर तनकीद का निशाना बनाया मुक्तदर इदारों को, और वो कहते हैं कि जी सिर्फ क्या प्राइम मिनिस्टर ही गलती कर सकता है, गलती किसी और से नहीं हो सकती, इस बयान को कैसे लेते हैं आप? नहीं, मैं तो आपको पहले कह रहा हूँ कि उन्होंने ये नैरेटिव जो मैं बात कहने वाला था, ये नैरेटिव आपके दुश्मनों का तो हो सकता है, मोदी का तो हो सकता है, ट्रंप का तो हो सकता है, कम से कम एक पाकिस्तानी का नहीं हो सकता। उन हालात में जब हमारी फौज पाकिस्तान ऑपरेशन रतुल फसाद में मसरूफ है, दहशतगर्दों को शिकस्त दे चुकी है, इसके बावजूद आप अपनी फौज के खिलाफ, क्या फौज ने क्या किया, इसने क्या मुक्तदारों ने किया है भाई, आपने लूटमार की, क्या पनामा फौज लेकर आई है, क्या अस्करी इदारे लेकर आए हैं, क्या जमा सलवा लेकर आया है, आज टीवी लेकर आया है, कौन लेके आया है? ये तो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर हुआ, आपने तस्लीम किया और आपने कहा छाती पे हाथ मार के पार्लियामेंट में खड़े होकर, मेरे पास एक एक डॉक्यूमेंट है। वो कतरी शहजादा जितने आलमी स्मगलर है, आज के कुछ दिन पहले पैसों के जो आलमी स्मगलर है सारे राइवल में इकट्ठे हुए थे, वो तो कहते थे मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, मेरी जान को खतरा है। अब जब उसने यहाँ पर फिर एलएनजी में लूटमार करने की शिकार खेलना था, वो कतरी शहजादे तो आ गए भाई। मुझे बताइए कि आप अफवाज पाकिस्तान को कभी देखिए, हुकूमतें आती रहती हैं, हुकूमत कभी किसी, बिल्कुल ठीक। अच्छा शौकत बसर साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा, इस वक्त कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कुछ बयान जारी किए हैं, पहले उनके बयान सुनते हैं उसके बाद वापस आपसे इसी हवाले से बात करते हैं। रानिया जी कहती है कि माजी में भी जो नवाज शरीफ के रास्ते में आया,
खुदा ने फतह नवाज शरीफ को दी और इस दफा भी फतह क्योंकि एक बंदा दिल के अंदर से निकला है इस सिस्टम पे भूख ही मार दें। इस्लामाबाद फैजाबाद का इस हवाले से कह रहे हैं कि उसमें जो बेनिफिशियरी सामने आया करप्शन की कोई खबर नहीं चली और जो बेनिफिशियरी है वो चली। भाई साहब मैं आपको बताऊँ इस मुल्क में जब कभी भी इस्लाम के नाम पे जो तहरीक शुरू होती है हमने निजाम मुस्तफ़ा की तहरीक में इतने छोटे थे कंधों पे उठा के लेके जाते थे क्या वो तहरीक के नतीजे में निजाम मुस्तफ़ा आया या मार्शल आ गया था ये मुझे कोई जवाब दे ना। ज़ियाउल हक़ साहब ने देखा कि जी कौम इस वक्त निकली हुई है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अगेंस्ट हो गया है निजाम मुस्तफ़ा की जगह उन्होंने मार्शल दे दिया और फिर आइन के अंदर जो फाड़ हुआ जो कट हुआ 58(2) भी आया। अब ये एक उलमा को इकट्ठा किया जा रहा है ये पीछे देखें कि उलमा की तहरीक बना के तो पीछे कोई पसे पर्दा क्या हालात है मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज आज कौम अपने हकूक के लिए एक जगह इकट्ठी हो। नहीं जी आर्टिकल 6 जब तक जिंदा है परवेज मुशर्रफ जिंदा है इस मुल्क में मार्शला नहीं लग सकता। पहले परवेज मुशर्रफ को 2 दफा आइन तोड़ने का जवाब देना पड़ेगा। अब बच्चे बच्चे जब बंदा देखता है शायद पिस्टल निकाल रहे हैं उसके पास मोबाइल कैमरे के साथ होते हैं और बच्चे आइन को पढ़ रहे हैं ये आइन आइन जो होते हैं आइन की बुनियादों पर मुल्क मुस्तकम होते हैं आगे चलते हैं मजबूत होते हैं और हमारा आइन ये इसको लोग तरतर का आइन कहते हैं मैं कहता हूँ ये मुकद्दस आइन है क्योंकि ये नामूस रसालत की हिफाजत कर। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपने सुना कैप्टन सफदर रिटायर्ड जो है वो किस तरीके की गुफ्तगू कर रहे थे जहां पर तमाम अपोजिशन जो है वो नून लीग के ऊपर सवालिया निशान उठा रही है कि जी नून लीग ने धरने को सही मैनेज नहीं किया वहां उल्टा वो ये कह रहे हैं कि जी धरने के पीछे क्या सम्राट थे इस चीज़ को देखना चाहिए इस पर आप क्या कहेंगे। ये कौन से साहब थे जिनकी आपको ये कैप्टन सफदर रिटायर्ड थे सर थे सर हाँ देखिए जी कैप्टन सफदर का जरा वो क्लिप निकाल दीजिए जिसमें इसने कहा था कि ये तो लोग हमने खुद को लेकर आए मैं इसका हिस्सा हूँ। बात मुझे बताइए कि पंजाब में किसकी हुकूमत है क्या मोदी की हुकूमत है इसराकील की हुकूमत है अफगानिस्तान की हुकूमत है भाई इनकी हुकूमत थी ना छोटे गॉड फादर की exactly. वहां से ये लोग निकले उनको राणा सनावला और शहबाज शरीफ ने मैनेज किया भाई अगर मुझे बताइए कि खत्म हुकूमत के मामले को किसने छोड़ा छेड़ा इन्होंने एक जान बूझ के वहां उसमें भी ये इंतजार नाराजगी चाह रहे थे इन्होंने वहां भेजा एक फिर कमेटी बना दी आप लोगों ने पहले तो इतराफ नहीं कर रहे थे हमने कोई गलत काम नहीं किया फिर आपने कहा हाँ गलती हो गया याद का देखा वो क्लिप निकाल लें पहले जस्टिफाई करते रहे जाहिद हामिद और मुशा रहमान। अच्छा उसके बाद आपने कमेटी बनाई भाई अगर आप धरने वाले साजिश लेकर आए थे मुतालबा क्या था पूरी पाकिस्तानी कौम का मुतालबा था ये छोटे मियाँ जो घाट फादर जिन्होंने ये जुलूस भेजा था उन्होंने क्या कहा था मानिक पाल में मेरे कायद उसको निकाल दीजिए कैबिनेट से जिसने साजिश की है ये मुतालबा तो छोटे भाई का भी था आपने आपके हाथ में था आप फौरी वो पब्लिक रिपोर्ट कर देते थी जाहिद हामिद को आपने बाद में निकाला वो 100 प्याज और 100 जूते खाने वाली बात ये असल में चाह ये रहे थे इन्होंने अदलिया के कंधे पे बंदूक रखकर चलाई ये फौज को और आवाम को आमने सामने चाहते थे तो वो तो फौज इनकी बाजी को बाप गई क्योंकि ये मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं अपनी लूटमार को बचाने के लिए मुल्क में इंतजार चाहते हैं दमनी चाहते हैं खाना जंगी चाहते हैं उस वक्त ये चाहते थे कि फौज आए और फायर खोले आवाम पे और लेकिन फौज ने कह दिया ये हमारी आवाम है हम इनके ऊपर सिक्योरिटी तो कर सकते हैं इसलिए इनको बहुत तकलीफ है इनकी हर साजिश नाकाम हो रही है इनका प्लान ये है किसी ना किसी तरीके से केस अपने मंत्री अंजाम को ना पहुंचे पीपल्स पार्टी के बैक ऑफ करने की कहीं वजह ये तो नहीं है कि ये सारे प्लान नाकाम हो रहे हैं जिस तरह से हुकूमत इन तमाम मामलों में घिरी हुई है कोई स्केप नजर नहीं आ रहा है इस बार आप लोगों को वाकई लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बुरी तरह से फंस चुके हैं तो इस बार उनसे हाथ मिलाने से कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। बहरहाल आपने बहुत ही टेक्निकल सवाल कर दिया है मैं आपको दर्ज करूँ बात ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतल कुछ भी कह सकती है लेकिन हमने कभी जमहूरियत के खिलाफ कभी पार्लियामेंट के खिलाफ कभी हम उसके सामने खड़े नहीं हुए हम इस आयन के खुद खालिद हैं जिसके लिए आज गरीब खुदाबख्श इलाकाना का कब्रिस्तान इतना बढ़ा हुआ है। इस वक्त शरीफ में जमहूरियत और पार्लियामेंट को खतरा है तो वो शरीफ माफिया पे है उस वक्त जब हम खड़े थे वो नवाज शरीफ के साथ नहीं खड़े हुए थे उस वक्त हम खड़े हुए थे कि इमरान खान जो साजिश कर रहा था कि एम्पायर की मुल्क वाली है पार्लियामेंट तोड़ दी जाए 2 साल के लिए केटी का सेटअप बना दिया जाए हाँ उसके नतीजे में बचा यही गॉड फादर। अच्छा शौकत बसरा साहब बिल्कुल आप आयन और पार्लियामेंट और जमहूरियत के साथ तो खड़े हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से ये बात तो हम शुरू से कह रहे हैं कि इस दफा पीपल्स पार्टी जो है वो हाथ मिलाने वाली नहीं है नून लीग से बड़ा कड़ा स्टांस है लेकिन मंजूर बसान साहब ने कुछ पेशगोइयां भी की हैं वो कहते हैं जी आम मुलाकातें हो सकती हैं मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो से भी हो सकती है और शायद दोबारा से गठजोड़ हो जाए इस हवाले से क्या कहेंगे आप।
बिल्कुल जाहिर है उनका एक अपना बयान तो हो सकता है। इस वक्त पॉलिसी मैटर ये है कि मियां साबान के इस वक्त जो उनका एजेंडा है जिस पे वो चल रहे हैं वो पाकिस्तानियों का एजेंडा नहीं है। अच्छा। उनके ताने बाने उनका नैरेटिव पाकिस्तान दुश्मन नैरेटिव है, पार्लियामेंट के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इनकी सियासी लाशों को कभी कंधा नहीं देगी, कोई डायलॉग नहीं होगा। हाँ, हम जहां भी देखेंगे कि जमहूरियत का इश्यू आता है लेकिन उसमें भी अब मियां साबान अगर उसमें जा रहे होंगे तो हम उनको नहीं बचाएंगे। अच्छा, शौकत साहब, पार्टी मैटर की अभी आपने बात की है, मैं जानना चाहूंगी कि पीपल्स पार्टी का इस बार जो पार्टी मैटर है वो क्या है, और आपने कहा कि जमहूरियत की खातिर अगर हमें हाथ मिलाना पड़ा तो हम करेंगे इस बात नहीं, पर नहीं, आप... नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, उसमें उससे थोड़ी मिलाएंगे। देखिए, आप अभी डिलिमिटेशन का मामला चल रहा है, वो एक आईनी मामला है। हमारा मुतालबा ये है की जो मरदम सवारी हुई है उनके सेक्शन पब्लिक किए जाए, उसके ऊपर पूरी सिंध असेंबली में करारदाद पास हुई है। इन्होंने ना मिस्टर का मुफादत काउंसिल का इजलास बुलाया, ना हमें आज तक वो जो अभी पिछली दिन मीटिंग की थी उसके भी हमें सेक्शन फिगर दिए है, इसलिए वो मामला रुका हुआ है क्योंकि इससे इलेक्शन लेट हो सकता है। लेकिन हमारा मुतालबा बड़ा जेन्युइन है। दूसरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुझे बताइए, इनकी लूटमार को बचाने के लिए, इनकी करप्शन को बचाने के लिए, इनकी मोदी की यारी को बचाने के लिए इनको कंधा दे? अच्छा, साहब, पीपल्स पार्टी के वाले से आप बात कर रहे हैं, अब जो करंट आपके डिफरेंसेस हैं, जो भी सूरत हाल बनी है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है नून लीग के खिलाफ बड़ा सख्त स्टांस है, लेकिन उससे पहले जब मिसाके जमहूरियत की बात कर लें या बैक ऑफ डेज के ऊपर जाएं तो बड़ा गठजोड़ था। तो सरदारी साहब ने ये कहा कि जी जो धरनों में धोखा हुआ उसके बाद से अब एतमाद उठ गया है, अब हम हाथ नहीं मिलाएंगे, तो सर ये पुरानी खलिश है या करंट इशूज के ऊपर आप? शरीफों का पुराना वतीरा है, बड़े ताना आदमी थे, अल्लाह तआला उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने क्या फरमाया था, जब ये हुकूमत में होते हैं, इख्तदार में होते हैं तो ये गले पड़ते हैं, और जब ये मिशन में होते हैं तो बिल्कुल वक्त नहीं लगाते पाँव में पड़ने के। इन्होंने हमेशा ये वो हजरत अली का कॉल दिया ना, जिसके एहसान करो उसके शर से मैं कूद रहा हूँ। शरीफों का माजी दुआ है कि जिन जिन्होंने इनके साथ भला किया इन्होंने उनकी पीठ में छुरा भोंपा। उस वक्त मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने भला इनसे नहीं कर रहे थे, हम तो अपने उस कॉर्ड के लिए खड़े थे, अपने उस कमिटमेंट के लिए खड़े थे जिसके लिए शहीद गुरबारी पुत्रों ने अपनी जान दी, जिसके लिए शहीद बीबी कुर्बान हो गई, हमारे लाखों कारकुनों ने कोड़े खाए, जेलें काटी। उसके बाद नवाज शरीफ का किस तरह ट्रस्ट करें? नवाज भी वो आदमी है। साहब, क्या देख रहे हैं अब आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए कोशिशें नून लीग की जानिब से बहुत की जा रही है, शरीफ साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी जो है वो मिली रहे, इस हवाले से कमेटी इजलास भी बुलाए जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस बार इलेक्शन में क्या पोजिशन होगी नून लीग की? पहले तो मैं आपको ये खबर भी दे दूं, सुबह सुबह शरीफों का यह फिल्म सत्ता हो चुका है। अच्छा। इनकी पार्टी में इस वक्त आप देश में जनूबी पंजाब से तल्लक है, मैं आपको अपने जिला बहावल नगर की बात बता देता हूँ। अच्छा। चार एमएलए थे, तीनों एमएलए इनको छोड़ चुके हैं, एक वो सियासी की टीम रावलपिंडी का हमारे पास एजाजुल अकबर का घाटी है, तीनों एमएलए इनको छोड़ चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त इनके साथ आप जरा अमलन को आगे चलने दीजिए, मैक्सिमम मैं तो ये देख रहा हूँ महीने डेढ़ महीने के अंदर शरीफों के साथ वही रह जाएंगे जो खाजगान है, जो इस वक्त अभी ख्वाजा साद रफी की बात बता रहे थे, उसके अलावा इनका साया इनका साथ छोड़ जाएगा। ये सब सर वो तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज कर रहे हैं, उसके अंदर आम उमूर तय करेंगे, मरियम नवाज का नाम उन्होंने शामिल कर लिया, इसमें क्या कहेंगे आप? आगे आगे देखिए जरा होता है क्या, ये तो अभी आने वाले दिन जो है ये शरीफों के मामला आप देखेंगे। पिछले दिन आपने हमजा शबाशी का बयान सुना था, वो उनका सगा भतीजा है, वो क्या जात फरमा रहा था, मरियम बीबी फौज पे तनकीद कर रही थी और वो कह रहा था, नारे लगा रहा था फौज। सर वो तो कहते हैं कि इख्तलाफ राय तो होता है लेकिन पार्टी इंटैक्ट है हमारी, इख्तलाफ राय है पार्टी इंटैक्ट आज इस वक्त जिसे हुकूमत पंजाब में भी है मस्जिद में भी है। सूरत हाल ये है इस वक्त इनके अंदर इतनी दरारें पड़ चुकी है, इतने शिकाफ आ चुके हैं, आप जरा देखिएगा। शौकत साहब, ये आप पेश गोई कर रहे हैं कि आपके पास वाकई में इस हवाले से कोई इत्तला है, अगर है तो करूँ नाम भी बताइए। लेकिन मेरे पास ना तो चिड़िया है, ना तोता है, ना तोमा है। मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि जो मेरे शहर में लोगों को आना जाना है इस वक्त इनके साथ सूरतेहाल ये है कि बहुत सारे लोग, एक तो 60-70 का फिगर आया था ना, मैं आज आपको कह रहा हूँ, आज आपके प्रोग्राम सुबह सुबह आज कह रहा हूँ, उसको रिकॉर्ड को संभाल के रखिएगा कि कल आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शरीफ मियां नवाज शरीफ, क्योंकि होना क्या है, पेपर खुलने वाला है,
बासर नकवी का केस मैक्सिमम 10 या 12 दिन में रिपोर्ट पब्लिक चले। फिर ठीक है शौकत मसरा साहब, अगर ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है तो डेफिनेटली हम आपको दोबारा कॉन्टेक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे नून लीग की और सूरत हाल के हवाले से। आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के हवाले से शौकत मसरा साहब का यही कहना है कि आगे आगे देखिए होता क्या है, इनकी पार्टी के बहुत सारे लोग जो है वो इनको छोड़कर चले जाएंगे। और अभी हमें ज्वाइन किया है जस्टिस शायक उस्मानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। सर आज अहम समात है और समात जो है वो 1 बजे तक मुलतवी कर दी गई है बिकॉज ऑफ दैट कि आज जो रेफरेंसेज हैं उनके हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आना है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो सीटिंग्स हैं वो तो इस वास्ते हैं कि तीनों रेफरेंसेज को यकजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे ख्याल में फिर उन्होंने शायद एप्लीकेशन दी थी स्टेशना के लिए हाजिरी से, तो ये तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बहर सूरत जो इस्लामाबाद की जो जजमेंट है उसका तो इंतजार करेगी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो सुपीरियर कोर्ट है, तो इंफीरियर कोर्ट आम तौर से इसका लिहाज करती है और बहुत मोहतात रहती है इस मामले में, तो वो तो यकीनन उसका लिहाज करेंगे। जहाँ तक कि उनकी दरख्वास्त है स्टेशना के लिए, वो तो डिस्कशन है जज का, उसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आमतौर से तो इस किस्म की कार्रवाई में, कार्रवाई जितनी होती है उसमें आमतौर से जजेस स्टेशना मान जाते हैं, उसमें चूंकि उसमें इनका होना, चूंकि ये कितनी दफा आते जाते रहे, ये नहीं कि वो बिल्कुल ही गायब हैं इसहाकदार की तरह, तो हो सकता है कि वो इस पे रायत करें और उनको इस्तेशना मिल भी जाए, हो सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा शाइक साहब, इस हाकदार के हवाले से आपसे जरूर बात करूंगी। इस वक्त नवाज शरीफ के हवाले से जानना चाह रही हूँ कि रेफरेंसेस को यकजा करने की दरख्वास्त उन्होंने जो दी हुई है उसके खिलाफ आज फैसला तो आ जाएगा, लेकिन अगर एक बार फिर से उसको मुस्तरद कर दिया जाता है तो क्या नवाज शरीफ साहब फिर से इसको चैलेंज कर सकते हैं, ये दोबारा चांस मिल सकता है? जी जी, ये जो जो भी जजमेंट होगी इस्लामाबाद हाईकोर्ट की वो तो चैलेंज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक। अच्छा सर, चैलेंज तो हो सकती है, लेकिन अगर रेफरेंसेस के हवाले से बात की जाए तो नून लीग की जानिब से ख्वाजा हारिस यही प्रेशर देते रहे हैं अदालतों पर कि जी आप यकजा कर दें और फिर उसको सुने, तो इसमें फायदा किसको है, नून लीग को क्या फायदा है ये तमाम रेफरेंसेस अगर यकजा हो जाते, क्योंकि जहां पर हम ये कह रहे हैं कि वो नून लीग डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रही है तो वहां तो केस जल्दी रैपअप हो जाएगा? नहीं नहीं, देखिए इसमें ये होगा कि उनके डिफेंस करने में उनको आसानी होगी, और इसमें डिले की बात नहीं है, इसमें डिफेंस उनकी आसान हो जाएगी, क्योंकि अगर वो तीन विटनेसेस आते हैं तो तीन केसेस हैं तो तीन दफा विटनेसेस एविडेंस देते हैं, तो इनकी डिफेंस करने में इनको मुश्किल पड़ती है। हो सकता है कि जो विटनेसेस हैं प्रोसिक्यूशन के वो आमतौर से जिसे कहते हैं ना दरो गोला हाफजा ना बाशद, जो कई दफा विटनेसेस स्टेटमेंट ऐसी देते हैं और उसमें वो एक दफा कुछ कहते हैं दूसरा कुछ कहते हैं, कंट्रोडिक्शन हो जाती है, तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए जहाँ तक डिफेंस का ताल्लुक है उनकी यकीनन बेहतरी यही है। अच्छा शाइक साहब, ये भी बताएगा कि इसहाक डार को हम देख रहे हैं कि वो अपनी अदालत के बाइस पेश नहीं हो पा रहे, अदालत में आज भी उनकी पेशी है और कहा जा रहा है कि अगर आज भी वो पेश नहीं होते तो फिर उनके 50 लाख के मचल के जो है वो मजीद जब्त कर लिए जाएंगे, आप क्या समझते हैं इस केस में अगर वो इसी तरह अदालत पेश नहीं हो पाते तो फिर इस केस में आगे क्या डेवलपमेंट हो सकती है? कुछ नहीं, डिफेंडर बन जाएंगे वो, और उसमें जो जो अकाउंट नैब लॉ में जो मौजूद है कि 3 साल की सजा हो सकती है अगर कोई प्रोक्लेम डिफेंडर हो तो वो उनको 3 साल की सजा हो जाएगी। ठीक। अच्छा सर, ये जो इनका समातों का सिलसिला जारी है इनकी जानिब से, जो ये अल अजीजिया स्टील मिल्स हैं या इवन फील्ड का जो भी मामला है, तो ये तीनों रेफरेंसेस यकजा करने की बात करते हैं, लेकिन अगर एक छोटी सी कंफ्यूजन है वो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जो तीनों रेफरेंसेस अगर यकजा कर देंगे तो कैलिब्री फॉन्ट का जो मुकदमा है वो तो मरियम नवाज पे है, तो फिर वो तो नवाज शरीफ साहब पे भी हो जाएगा? हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो साथ साथ चलता रहेगा। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, कुछ अच्छा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो सर क्या लगता है आपको कि जो ओवरऑल सूरत हाल जारी है, जिस तरीके से समात पे समात हो रही है, जिस तरीके से हेयरिंग्स हो रही हैं और जिस तरीके से आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी आ जाएगा, तो कितने दिन तक ये सारे केस का फैसला सामने आने वाला है? ये तो मैं कह नहीं सकता कि अभी तो डिफेंस शुरू नहीं हुई है, सिर्फ प्रोसिक्यूशन की एविडेंस का टाइम है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा। बसूरत सुप्रीम कोर्ट ने तो 6 महीने दिए हुए हैं, जी जी उसी तनाजुर में मैं पूछ रही, अगर पूरा हो सकता है तो ठीक है, अगर नहीं हो सकता तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट में कोई रुकावट नहीं पैदा करेगी, अगर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं तो वो
सुप्रीम कोर्ट कोई रुकावट नहीं पैदा करेगी, उन्होंने ऑलरेडी ये चीज कह दी है अपनी डिटेल्ड जजमेंट में, रिव्यू की जजमेंट में। बहुत शुक्रिया शायक उस्मानी साहब, आप हमारे साथ थे जस्टिस साहब, और ओवरऑल जो इस हवाले से और जो भी केसेस इस वक्त चल रहे हैं, चाहे वो सादा के केस हो चाहे वो नवाज शरीफ का केस हो, तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। और अब देखना यह है कि केस के हवाले से जैसे कि सभा ने इस बात को, इस पॉइंट को बहुत अच्छा उठाया है कि वाकई में कहा यह जा रहा था कि नवाज शरीफ जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर रेफरेंसेस एक जा हो जाते हैं तो केसेस का हो सकता है कि फैसला भी जो है वो जल्दी आ जाए। इसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी ये तो वक्त के साथ साथ पता चल जाएगी, लेकिन आज के हवाले से, आज के दिन के हवाले से आपको बताएं तो समाअत 1 बजे तक मुलतवी हो गई है, और 1 बजे जो है वो दोबारा से हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद इसकी समाअत केस की शुरू की जाएगी, और फिर जाना जाएगा कि क्या सिचुएशन बनती है, क्या वाकई में रेफरेंसेज जो है वो यकजा किए जा रहे हैं या नहीं। इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट रखेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं जेम्स मैटिस के दौरे के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज पर अमल दरामद कराने का अज़्म, और डूमोर के मुतालबात लेकर अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस 1 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान भी दो टोक बातचीत के लिए रेडी है, जबकि जेम्स मैटिस वजीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकात भी करेंगे। रिपोर्ट देखिए। अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस का दौरा पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों पर अमल दरामद कराने का अज़्म। अमरीकी वजीर दिफा इस्लामाबाद में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मिलेंगे। जराये के मुताबिक हुकूमत ने भी मुलाकात का एजेंडा तैयार कर लिया है। जेम्स मैटिस को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के सबूत पेश किए जाएंगे, और जोर दिया जाएगा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों का खात्मा किया जाए, जबकि अफगानिस्तान में भारत की सरगर्मियों पर भी तहफ्फुज़ात से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान रवानगी से कबल जेम्स मैटिस ने फिर डूमोर का मुतालबा कर दिया है। उनका दावा था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान के अपने मफाद में है। अमरीका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को फरोग देना चाहता है। चले जनाब इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर इकराम सेगर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक हूँ। अच्छा इकराम साहब, जेम्स मैटिस साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, इससे कबल हमने देखा कि कभी हमारे वजीर दिफा ने वहाँ का दौरा किया, कभी इससे पहले रेक्स टिलरसन भी पाकिस्तान आए हैं। ओवरऑल बड़ी कोशिशें की गई कि जो सेल्फ मोहरी है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि अब जो जेम्स मैटिस आ रहे हैं वो डूमोर का मुतालबा लेकर आ रहे हैं, और साथ साथ जनूबी एशिया के हवाले से ट्रंप की जो नई पॉलिसी है वो पाकिस्तान को उससे आगाह करेंगे। क्या समझते हैं आप, कोई पॉलिसी में नरमी का कोई इम्कान है या फिर वही सेम बातें होने जाएंगी आज भी? देखिए सबसे पहली बात ये है कि जेम्स मैटिस जो है ना, ये बहुत मंझे हुए सोल्जर, इनको कहा जाता है कि ये थिंकिंग मैन सोल्जर हैं, और ये काफी इंटेलेक्चुअल आदमी हैं जिसके अंदर काफी इनकी रेपुटेशन थी। जब ये सेंट्रल कमांड में थे और पाकिस्तान के साथ इंटरेक्शन करते थे तो इनकी बहुत अच्छी रेपोर्ट थी पाकिस्तान का, लेकिन अब देखा जो आम शहरी जो है उनकी जाने जाए गई है, कितनी हमने दहशत गर्दी की हमने देखी। उसी दिन आप देख रहे हैं कि पिशावर में क्या वाकया हुआ, उससे पहले तो हजारों वाकया कोयटा में, पिशावर में, लाहौर में, वगैरह वगैरह। तो आपको ये मेन करना पड़ेगा। आई थिंक अगर आप, अब हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे जो लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनकी अपनी पर्सनल मोटिव होती है, वो दूसरे को नाराज नहीं करना चाहते कि भाई उनकी जगह, और फिर जाके वो सेटल हो जाते हैं ना जी, ये हुसैन अकाली जैसे वो वहाँ पर जाके वो चाहते हैं कि उनको वो बात करें जो वो सुंदर था। तो अभी बहुत अच्छा मौका है, आपकी बड़ी क्लियरली आपके प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की है, आपके डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये बात की है, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्लियर लफ्जों में ये बातें की। तो आई थिंक जाके जितनी इसकी वजाहत कर दें उसको, आई थिंक हो सकता है कि उनकी थोड़ी भी एटीट्यूड में नरमी आए। अच्छा सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उनके एटीट्यूड में नरमी आए, और इस दफा उनकी पॉलिसी जो है बड़ी फेयर एनफ है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान बायलैटरलिज्म के ऊपर बात करेगा आज अफगानिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ से जो भी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचता है उसके ऊपर उनको कन्वेंस करना पड़ेगा, और फिर दूसरा अफगानिस्तान में भारत का बढ़ता हुआ असर रसूख, इन उमूर के ऊपर आज हमें कन्वेंस करना होगा, क्योंकि आप ही के मुताबिक बड़ा अच्छा मौका है। देखिए पहले तो मैं थोड़ा वजाहत कर दूं, इनकी पॉलिसी फेयर नहीं होती, इनकी इंडिविजुअल फेयर होती है। इंडिविजुअल्स ठीक, इंडिविजुअल फेयर होते, पॉलिसी फेयर नहीं। पॉलिसी वो होती है
जो इनकी नेशनल इंटरेस्ट में होती है। देखिए ये बहुत अच्छा मौका है, देखिए आपने ये बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि अगर इस आदमी को आप कर सकते हैं पेंटागन के चीफ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखिए इनको इससे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान को कोई सोल्यूशन ही नहीं। ये सबसे पहली बात, जब सोल्यूशन नहीं है ये इनकी एक जरूरत है इनकी कि हमारे साथ काम करें। अब वो काम किस तरह करें, हमें डराए धमका के काम करें या प्यार मोहब्बत से काम करें, बात एक तरीके का है। आप अगर ये उनको समझा दीजिए कि ये हमारी बॉटम लाइन है, ये हमारी सेल्फ लाइन है, इसको आप क्रॉस करेंगे तो हम भी आपसे कॉपरेट नहीं कर सकते। सर आपको क्या लगता है कि कितना ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन अब जो है वो अल्लाह अल्लाह करके फॉरेन मिनिस्टर आ गए हैं और ख्वाजा आसिफ ने जाकर वहाँ पर बड़े जबरदस्त किस्म के बयानात दिए हैं और यही कहा है कि जी अब जी एक लेवल के ऊपर बात होगी और न्यूट्रल लेवल के ऊपर बात होगी, बायलेटरल बात होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि डू मोर का मुतालबा आप हमसे करें, बल्कि डू मोर को अब आपको करना पड़ेगा, दुनिया को करना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि हमारे जानिब से इस तरह के बयानात के बाद, इस तरह की टॉक्स के बाद अब जो आज बात होने जा रही है उसके ऊपर कितना ज्यादा असर पड़ेगा? देखिए बहुत असर पड़ेगा, मैं समझता हूँ कि अगर उनको एक नजर आ गया क्या लहजा है और उनको नजर आ गया कि सिविल मिलिट्री जो है वो एक पेज पर है जी। और वो ये नहीं है कि आप सिविल कुछ और बोल रही है, जब मिलिट्री कह रहे थे तो वो कुछ और बोल रही है, ठीक है। और ये सब चीजें, और दूसरी बात ये अगर आपकी प्रेजेंटेशन ठीक है, और मैं समझता हूँ कि आपके बचे हुए आपके जीपीआईएस रहे नवीन मुफ्ता, तो अगर ये सब चीजें ठीक तरह प्रेजेंट करें और उनको समझाने की कोशिश करें, मैं समझता हूँ फेयर, मैं पॉलिसी की फेयर नहीं बोलता हूँ लेकिन डिविजन अमेरिका जरूर फेयर होता है, वो जरूर फॉलो करेगा। अच्छा ये जरूर जानना चाहूंगी इकराम साहब, जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही मंझे हुए ऑफिसर हैं और काफी इंटेलेक्चुअल भी हैं, आप क्या समझते हैं अगर पाकिस्तानी मौके फन तक वाजे हो जाता है तो क्या कोई पॉलिसी चेंज, जिस तरह से वो इस बार ट्रंप का मैसेज लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान, तो कोई उसमें कोई तब्दीली मुतवक्के हो सकती है? कोई हालात आपको लगता है कि इनके इनको कन्वे करने से हालात मजीद बेहतर हो सकेंगे वहां पर? देखिए एक बात ये है कि उनकी जो पॉलिसी है इंडिया की, तो लॉन्ग टर्म है, वो तो चेंज है, ठीक है, लेकिन अगर उस पॉलिसी को करके पाकिस्तान को दबाव देते हैं फिर ये गलत बात है। हमारा मौका पर ये होना चाहिए कि ठीक है आपका इंटरेस्ट इंडिया के साथ है, जरूर रखें, आप कुछ भी करें इंडिया के साथ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इंडिया की जो असर सूखे वो हमारे पर प्रेशर ना डालें। इंडिया की मोदी की बातें आप भी सुने, अनफॉर्चुनेटली क्या बात, मोदी की बातें तो आपकी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से पहले सुनी जाती थी, कोई बातें अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि आप जो है एक पेज पर आए और आप अगर यूनाइटेड फ्रंट अगर दिखाएंगे उनको, तो उनको भी बात समझ आएगी कि ठीक है हमारी इंडिया की पॉलिसी है लॉन्ग टर्म है, हम उसके साथ जारी करेंगे, लेकिन इंडिया की पॉलिसी से हम अपनी पाकिस्तान की पॉलिसी से हमारी जो रिलेशनशिप है वो अफेक्ट नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर थोड़ी सी बात की जाए डू मोर के हवाले से, तो हमेशा अमेरिका की जानिब से ये कहा जाता है कि डू मोर, लेकिन अभी रिसेंटली जो है एजाज चौधरी ने जब मुलाकात की थी डोनाल्ड ट्रंप से तो उनका यही कहना था कि जी वो चाहते हैं कि जी बराबरी की सतह पर ताल्लुकात कायम किए जाएं, तमाम चीज़ें मैनेज कर ली जाएं पाकिस्तान के सामने, लेकिन अब फिर एक दफ़ा से हम देखते हैं कि डू मोर का मुतालबा सामने आ गया। देखिए वही मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी पब्लिक जो होती है पॉस्चर और प्राइवेट पॉस्चर, प्रॉब्लम ये है कि उनके अभी भी एडवाइजरी कैपेसिटी है ना जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, वो इतनी पाकिस्तान के खिलाफ है, क्योंकि एक यू नो इनफैक्ट जो अभी भी लोग अच्छे हैं ये नॉन एंटी पाकिस्तान फिगर से, तो नेचुरली फर्क तो पड़ता है। अगर आप आए दिन सुबह शाम बात करेंगे कि पाकिस्तान ये कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखें, आप एक दो तीन बातें नोट करें जी। ये जो यहाँ पर IMCTC बना है सऊदी अरेबिया में जी, जी, आप जी, समझते हैं अमेरिकन के उसके बगैर बने, उसका मिलिट्री कमांडर कौन बना, मिलिट्री कमांडर पाकिस्तानी बना है ना जी। तो अगर इतनी खिलाफ होते पाकिस्तानी अगर पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान का कमांडर झूठ बोलता होता तो कभी उसको ये अमेरिकन बनने देते कभी? अब यही सोच रहे बात जी, को कभी बनने देते वो MCTC का कमांडर, उनकी सऊदी अरब कभी नहीं बनने देते। बात ये है कि वो जानते हैं एक्चुअली उनको पता है, मगर आपको उनको यही बात करना है कि भाई ठीक है आप अपनी पॉलिसी जो है वो ठीक है, अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी शॉर्ट टर्म पॉलिसी जो भी है
मगर आपकी हमारी रिलेशनशिप है सर, जहां पर भारत बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, हम देखते हैं कि भारत जो है अपने ताल्लुकात एक तरफ ईरान से भी बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका से भी गठजोड़ है, और दूसरा अफगानिस्तान में जो भारत का बढ़ता हुआ असर रसूख है, असल में पाकिस्तान के लिए परेशानी ये है। हम बॉर्डर मैनेजमेंट भी कर चुके हैं, अफगानिस्तान से हम अमन की बात भी कर चुके हैं, लेकिन इस मसले को हम कैसे उनके सामने मेंशन करें कि जी भारत का जो बढ़ता हुआ असर रसूख अफगानिस्तान में, उससे पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देखिए, ये आपकी एक परसेप्शन है कि भारत की असर रसूख अफगानिस्तान में है। भारत के असर रसूख जो है ना, वो काबुल गवर्नमेंट के साथ है। काबुल गवर्नमेंट जो है वो 40% एरिया ही कंट्रोल नहीं करता है अफगानिस्तान। तो आप देखिए, काबुल के अंदर तो उनका बड़ा सख्त हुआ है, और NDSI जो की इंटेलिजेंस है वो खुद वो रन करते हैं, इनफैक्ट ड्रॉ रन करती है, वो आप छोड़ दो। दूसरी बात, ईरान के ऊपर आप ये फैमिली पर मत रहे। ईरान के शाहबहार पोर्ट उन्होंने जरूर खोला है जी, और शाहबहार पोर्ट में मदद जरूर किया है, वो गवादर के पैरेलल करना चाहते हैं जी, कर भी नहीं सकते। ग्वादर और शाहबहार जो है ये सिस्टर पोर्ट है। जब ग्वादर में ज्यादा होगा शाहबहार ले लेगा, वो रिलीफ ले लेगा, शाहबहार में ज्यादा होगा ग्वादर ले लेगा, छोड़ दे। अफेक्ट पता किसको होगा? अबू धाबी को होगा, दुबई को होगा, दोहा को होगा, ये ग्वादर को नहीं होगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकराम सेगल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और ओवरऑल जो जेम्स मैटिस का दौरा है, उस हवाले से जो जो तमाम अहम पहलू थे उन पर उन्होंने रोशनी भी डाली है, और ये आज एक दिन का जो दौरा है उसको इंतहाई अहम तस्वुर भी किया जा रहा है। डेफिनेटली पाकिस्तान को इस बार सिर्फ नो मोर से हटकर अपने मौकफ को भी वाजे करना होगा, और डिफेंस मिनिस्टर के सामने अपने डिफेंस के अलावा भी जो है अपने मौकफ को बहुत क्लियर करने की जरूरत है। इसी के साथ यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, सेवा दर्शन की पॉसिंग। गुड मॉर्निंग, आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और आपको इस बात कर लेते हैं जनाब, नून लीग के हवाले से। नून लीग की आज एग्जीक्यूटिव कमेटी का अजलास होने जा रहा है, सबक वजीर आजम नवाज शरीफ की ज़िरदारत, और कहा जा रहा है कि जो हल्के बंदियां हैं उसके हवाले से जो सेनेट में इस बिल की पेशी के बाद इसकी जो रफ्तार है उसको तेज़ करने के लिए मीटिंग की जा रही है, और उसके साथ साथ जो पार्टी अमूर है उनको भी डिस्कशन की जाएगी। सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाइन पर नईम उल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, बहुत बहुत। अच्छा नईम उल हक साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि नून लीग की जानिब से इस वक्त कोशिशें तेज की जा रही है, कुछ राब्ते भी किए जा रहे हैं आम, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पार्टी इजलास भी बुलाए जा रहे हैं, क्या समझते हैं आपके जो पार्टी इजलास किए जा रहे हैं नून लीग की जानिब से, क्या कोई मुस्बत फैसले सामने आएंगे, नजर आएंगे? इदारों से टकराव की जो पॉलिसीज अब हम देख रहे थे नून लीग की तरफ से, उसमें कोई रद्दो बदल नजर आएगा? देखिए, मेरी मालूमात के मुताबिक नवाज शरीफ की एक सोच सामने आई है, तो उन्होंने कुछ लोगों से शेयर की है कि हुकूमत इस तरीके से नहीं चल सकती जैसे कि आज कल चल रही है। उसकी कई वजूहात हैं, वो समझते हैं कि ये मुकदमात हैं, ये सियासी मुकदमात हैं, और उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। उनकी जो नवाज शरीफ की जो ज़ाती सोच है, हमेशा से अदलिया और पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ रही है, क्योंकि वो समझते हैं कि और समझते रहे हैं की हैसियत से उनको अदलिया या फौज के जो फैसले हैं उन पर फौकियत हासिल होनी चाहिए। और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान की मईशत भी एक बिल्कुल उसमें एक ठहराव आ गया है, नहीं बढ़ रही। परसों ही इन्होंने 250 अरब रुपए का एक कर्जा लिया है, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को उसका वाहिद मकसद ये है कि जो कर्जे हैं उनकी जो किस्तों की अदायगी है उसके लिए इनके पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने नेशनल मार्केट में 2.5 अरब डॉलर का एक बॉन्ड फ्लोट किया है। इसके साथ साथ ये हमारा जो दबाव है और पार्टियों के भी दबाव है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, उसकी राह में जो 2-3 रुकावटें हैं। एक तो ये वक्त या वक्त से पहले ही हम चाहते हैं कि ये जो इंतखाबात हैं ये मार्च से पहले ही ये हुकूमत जो है ये मुस्ताफी हो जाए, और इंतखाबात आइन के मुताबिक प्री इलेक्शंस के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन इनका एक अहम इजलास होने जा रहा है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उसमें मरियम नवाज शरीफ जो है उनका नाम भी शामिल किया गया है, और कहा यही जा रहा है सियासी हलकों की जानिब से कि जी आज दो धड़े हैं, एक मुफाहमती और दूसरा मुजाहमती, तो आज जो नवाज शरीफ है वो किसकी सुनने वाले हैं, मुफाहमती धड़े की सुनेंगे या मुजाहमती धड़े की सुनेंगे? नवाज शरीफ की सोच तो मजामती धड़े के साथ ही रहेगी, मरियम की
मजामत की धड़े की मैं समझता हूँ एक तर्जमान है। देखिए इनके सामने जो एक बुनियादी मसला जो है वो नैब के मुकदमात और सुप्रीम कोर्ट में जो लेबिया पेपर मिल का मुकदमा है वो है जी। उनके हवाले से इनको कोई रद्द अमल देना पड़ेगा और एक पार्टी की पॉलिसी को सामने लाना पड़ेगा क्योंकि नवाज शरीफ से मुकम्मल तौर पर नाहल करार दे दिए जा चुके हैं और उनका वापस दोबारा वजारत उज़्मा के अहदे पर फायल होना वो तो नामुमकिन है। आज उनकी और अंदरूनी मसाइल हैं, कई MNAs जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, MPL ने इस्तीफा दे दिया है, हमारे से बड़े लोग रबते में इनके हैं। अच्छा। इनके कौमी असम्बली के मेंबर सही सर क्या नाम है उन कौमी असम्बली के मेंबर्स के वो मैं सब उनके नहीं बता सकता। ठीक अच्छा अभी हमारे से शौकत मिश्रा साहब भी थे, उन्होंने भी इस हवाले से पेशगोई की थी सर के बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्टी जो है छोड़ के मुख्तलिफ जमातों में चले जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले इंतखाबात में नून लीग बिल्कुल तकसीम होती हुई नजर आ रही है, आपको क्या पोजिशन होगी, कुछ वाजे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग का जो अंदरूनी इंतशार है वो बढ़ता ही चला जा रहा है और कई मेंबरान जो हैं वो नवाज शरीफ की सोच से मुतफिक नहीं है, उनका रब्ता भी नहीं है। नवाज शरीफ की हमेशा से आदत रही है कि वो सिर्फ अपने चंद साथियों करीबी रिश्तेदारों से मशावरत करके ही फैसले करते हैं, तो कई मेंबरान जिनका हमारे से रब्ता है कौमी असम्बली के और वो समझते हैं कि ये जो उनका रब्ता नहीं होता अपनी लीडरशिप के साथ वो उनकी मायूसी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। सर नाम बेशक ना बताएं लेकिन तादाद तो आप बता सकते हैं, कितने रहनुमा जिन्होंने आपसे रابطہ किया है इस हवाले से? मैं सही तादाद तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मुख्तलिफ सूबों में हमारी जो क्यादत है उसके साथ मुख्तलिफ कायदीन जो इनकी पार्टी के हैं वो रابطہ कर रहे हैं। सही तादाद है मगर मेरा ख्याल है वो अच्छी खासी तादाद है। ठीक अच्छा सर PTI के जलसे के हवाले से बात करते हैं, कल खान साहब ने बड़ा जबरदस्त किस्म का जलसा किया है चिश्तिया में और उन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया, पुलिस के हवाले से भी उन्होंने बात की है, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से खान साहब जलसे कर रहे हैं, जिस तरीके से तनकीद का सिलसिला उनकी जानिब से जारी है, तो जो अपोजिशन है या जो नून लीग है उसका यही कहना है कि जी खान साहब तो हम पे तनकीद करके सियासत कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है वो अपने बारे में बताएं, तो इस तरह की सूरत हाल भी है, तो सर आपको लगता है कि अब जो PTI है उसकी पोजिशन क्या है? देखिए हमारी तरफ से तो समझ लीजिए कि इंतखाबी मुहिम का आगाज हो चुका है और हमारे जलसे जारी हैं और बड़ी बहुत बड़ी तादाद में लोग इनमें शिरकत कर रहे हैं। आज भी एक जलसा है लैया में, खान साहब वहां पर खिताब करेंगे और फिर उसके बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में और सिंध का दौरा है 12, 13 और 14 तारीख को खान साहब करेंगे, बिल्कुल कराची में एक बहुत ही अजीमशान जलसा होगा। बिल्कुल ठीक, हमने तो अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है क्योंकि हम समझते हैं कि आवाम के पास जो पाकिस्तानी सियासत या पाकिस्तानी मईशत या पाकिस्तानी रियासत की जो हकीकतें हैं वो पहुंचनी चाहिए, जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से उन पर हमेशा पर्दा डालने की कोशिश की गई, जैसे मॉडल टाउन की रिपोर्ट को छुपा दिया गया, डॉन लीग की रिपोर्ट को छुपा दिया गया, राजा जफरुल हक की रिपोर्ट को छुपा दिया गया जी। तो ये अपने जो घिनाव सर ये तो आपकी पार्टी का मौकफ है लेकिन आज नवाज शरीफ का हम बयान सुन रहे थे तो नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हो सकता है कि जहांगीर तरीन साहब का केस हो या इमरान खान का केस हो उन पर भी मुझे नाअहल कर देंगे, तो क्या समझते हैं अभी उनकी फ्रस्ट्रेशन है या वाकई में कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है उनके साथ? नहीं नहीं, ये जो मैंने जिन 3 रिपोर्ट्स का जिक्र किया ये तो इसमें ये हमारा मौकफ नहीं है, तो सारे आवाम मॉडल टाउन की रिपोर्ट क्यों छुपा रखी है, डॉन लीग की रिपोर्ट क्यों छुपा रखी है जब आपने कमीशन बनाए और उनसे कहा रिपोर्ट, और फिर ये राजा जफरुल्लाह की रिपोर्ट को क्यों छुपा रखा है, वो तो तैयार पड़ी है, उन्होंने खुद कहा कि जी वो नवाज शरीफ को दिए हमने वो ओके करेंगे तो हम इसको रिलीज करेंगे, तो ये मजाक उड़ाते हैं अदालतों के फैसलों से, पहले वो अपने केसेस से तो निमट ले, ऑलरेडी उनके ऊपर बड़े केसेस पड़े हैं, फिर ये नए मुद्दे तो तब खोलेंगे। अच्छा सर PTI के हवाले से आप बात कर रहे थे, बड़ा जलसा करने जा रहे हैं आप कराची में भी और ओवरऑल जलसे तो खान साहब की जानिब से किए जा रहे हैं, सर क्या लगता है इस दफा पंजाब में आप मैदान मार लेंगे, पोजीशन क्या होगी, क्योंकि नून लीग तो यही कह रही है कुछ भी कर लें पंजाब में जो है वो PTI अपना घर नहीं बना सकती, पंजे नहीं जमा सकती। पंजाब के आप जलसे देख ले जो हो रहे हैं, कल का जलसा देख लें, आज लैया का जलसा देख लें, इससे पहले पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इतनी बड़ी तादाद में मैं समझता हूँ कभी भी लोगों ने शिरकत नहीं की थी, लोगों की दिलचस्पी देखें, मुस्लिम लीग के जो अजायम हैं उनके क्यादत की जो करप्शन है वो आवाम के सामने आया हो चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है और पंजाब के अवाम की बहुत बड़ी और वाज अक्सरियत
ठीक बिल्कुल सर, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। आपको बताते सर, साद रफीक जो है उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने दर्जे हैं बरसे हैं, अदलिया और मुक्तदिद इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाया है। तो सर पहले आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद आपसे बात करते हैं। हम तो ये समझते थे एक आजाद इंडिया का ख्वाब जो हमने देखा था वो शर्मिंदा ताबीर हो गया। कैसे फैसले कर दिए जाएं जिन पर सवालिया निशान ही लगते चले जाएं? ऐसे फैसले पाकिस्तानी कौम कबूल नहीं करेगी। नजरिया जरूरत को कबूल नहीं किया जाएगा। चंद आदमी किस्मत का, कौम की किस्मत का फैसला नहीं करेंगे, करेंगे तो हम नहीं मानेंगे। कुछ हो जाए, कोई कीमत उसकी अदा करें, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमने मियां नवाज शरीफ को वोट डाल के वोट की ताकत से उनकी अदालती नाअहली के बावजूद अपना सदर बनाया है, हमें इस पर फख्र। कौन सा वजीर आजम है जिस पर इल्जाम नहीं लगा? माफी नहीं मिली किसी वजीर आजम को। हर बार वजीर आजम ही गलत होता है, कभी चीफ जस्टिस या चीफ ऑफ स्टाफ गलत नहीं हो सकता। क्यों परवेज मुशर्रफ का हम एहतसाब नहीं कर सके? क्यों चीफ जस्टिस जो थे इफ्तिखार चौधरी, उनके बेटे का मामला आया तो उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई? पॉलिटिशियंस को, सिविल ब्यूरोक्रेसी को रगड़ दो, मसल के रख दो, बाकी यू कांट टच। ये लोगो एरियाज है, हम झगड़ा नहीं करना चाहते। अथॉरिटी ड्राइव क्यों नहीं कर सकता जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो सूबे का हो या वो मरकज का हो? लेकिन आप जब दीवार के साथ लगा देंगे, सियासी जमातों को आप सैंड बैग बना सकते हैं। एक जमात फेल हो जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता किसी मुल्क की फौज फेल हो जाएगी तो मुतबादल फौज किधर से आएगी? ना अफवाज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ना अफवाज को मुतनाज़ा बनने की खुद कोशिश करनी चाहिए। हम बात ना करें तो लब सी नहीं सकते, बात करें तो ये इल्जाम लगा दिया जाता कि आप अदारों से तसादुम करते हैं। करमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ना होती तो आज का पाकिस्तान मुख्तलिफ होता। और उसके बाद फिर आर्टिफिशियल लीडर पैदा करने की एक और कोशिश, अब उसे कौन समझाए? समझ आएगी पर मछली पत्थर चाट के आएगी कि एक ट्रक और उसमें भाई इमरान खान को भी आके बैठना पड़े। मैं ये नहीं चाहता, हम नहीं चाहते किसी को नाअहल किया जाए। क्यों पॉलिटिशियन सियासी लड़ाई को अदालत के अंदर लेके जाते हैं? सियासी लड़ाई मैदान में लड़ो ना। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो मसूरी तौर पे बनाई जाएगी सर्वाइव नहीं कर सकती। इसकी एक मिसाल पीएसपी है। हमारे दोस्तों को ये बात समझ ही नहीं आती, बात को उनका शौक ही नहीं खत्म होता जमातों के कत्ले करने का और डबल रोटी के स्लाइस करने का। इस तरह कुछ नहीं होगा। ख्वाजा साद रफी की बात है आपने सुनी है। नईमुल हक साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। नईमुल हक साहब, एतराज दर एतराज तो किया जाता है, लेकिन क्या समझते हैं कोई ऐसी बात उन्होंने की है जिससे आप भी मुत्तफिक हो? नहीं, देखें ख्वाजा साद रफीक इस वक्त जो उनकी जबान में तलखी नजर आ रही थी, इसकी बुनियादी वजह यह है कि नैब ने इनके खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू कर दी है जो लाहौर की एक हाउसिंग स्कीम से जिसका ताल्लुक था। इनके हाथ भी करप्शन में रंगे हुए हैं और बहुत जल्द इनके उसके भी हकायक सामने आ जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत पुराना केस है जो पूरी, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में लोग इससे वाकिफ हैं। अब ख्वाजा साद रफीक जो है वो इस वक्त उनकी हैसियत से कठपुतली वजीर की हैसियत है। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी नजरों में नवाज शरीफ को बचाना जो है वही उनका फर्ज है। पाकिस्तान की हुकूमत जिस तरीके से चलाई जा रही है या नहीं चलाई जा रही है, वो सबके सामने इनकी ना अहली ना लायकी की वजह से ये सब इतना बुरा हाल है। ये लोग पंजाब हाउस और जाती उमरा के चक्कर लगाते रहते हैं, अपने दफातर में नहीं जाते, अपने फराइज से जो गफलत इनके नजर आ रही है इनकी, वो सबके सामने मौजूद है। तो मैं इनकी बातों के साथ ज्यादा अहमियत नहीं दूंगा। आज देखेंगे इनके क्या फैसले करते हैं, क्योंकि इनका जवाल तो हो चुका है। अच्छा सर, बिल्कुल आप भी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसे पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कहा जाता है कि जी अपने जितने भी हिमायती हैं वो इस वक्त नून लीग जो है वो यूज कोनी को जो है वो आगे लेकर आई हुई है। तो सर अगर एक और मसला हम जिसका जिक्र करें, राणा सनाउल्लाह वाला मसला, अभी आपने देखा कि साद रफीक ने किस तरीके से जो है वो स्टांस लिया, किस तरीके से बात की। दूसरी जानिब राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि जी मैं अपना सियासी पीर जो है वो नवाज शरीफ को मानता हूँ, और जब तक वो नहीं कहते तब तक उनका वाला मसला जो है वो हल नहीं होगा। इस पर क्या कहेंगे? देखें राणा सनाउल्लाह भी जेरे एताब हैं, आप हैं उनके खिलाफ भी बहुत बेशुमार इल्जाम हैं। उनकी अपनी पार्टी के जो चौधरी शेर अली हैं, आबिद शेर अली के वालिद, उन्होंने इल्जाम लगाए हैं फैसलाबाद में। 29 कत्ल जो हुए हैं वो उनकी जिम्मेदारी उन्होंने राणा सनाउल्लाह पे लगाई है। अच्छा। राणा सनाउल्लाह की रेपुटेशन एक बहुत बड़े एक जालिम और एक सफाक सियासतदान की है, जिन्होंने अपने हुकूमत में रहकर अपने तमाम मुखालफिन को कत्ल करवाया। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब तहरीक इंसाफ आएगी हम बाकायदा तौर पर इन तमाम जो इनके जरायम है और उनके पर्दे उठा दिए जाएंगे और इनको कानून के मुताबिक इनसे निपटा जाएगा। अच्छा सर, मुझे क्यों निकाला की पॉलिसी लेकर नवाज शरीफ जो है वो जलसे कर रहे हैं, नवाज शरीफ जो है वो लोगों को यकीन दिला रहे हैं की जी ये अकामा का मामला था, पनामा का मामला नहीं था,
इस सारी सूरत हाल के अंदर इनकी जो गवर्नेंस है और उसके बाद इनका जो स्टाइल है उससे आप कितना मुत्तफिक हैं? इनको सूट करता है ये? क्योंकि लोग तो यही कहते हैं जी इस दफा जारहाना पॉलिसी जो है वो नून लीग को सूट करती है। देखिए अभी तक ये हुकूमती वसाइल और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जाती उम्र में 1200 के करीब पुलिस वाले अभी तक मामूर हैं और शहबाज शरीफ जो मतलब फुल अनानी है कई साल से पंजाब में, वो और ज्यादा मुस्तहकम होती चली जा रही है। वहाँ के जो अफसरान हैं हुकूमती अफसरान जो हैं वो नवाज शरीफ के सामने ऐसे उनका रवैया होता है जैसे नवाज शरीफ माफ कीजिएगा शहबाज के सामने जैसे शहबाज हैं वो बादशाह हों और ये उनके गुलाम। अच्छा, ये जो रिवायत कायम की गई है पिछले 8 साल में पंजाब में और कभी किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में जिसमें अरबों रुपए खर्च हुए हैं आज तक कोई ऑडिट नहीं किया गया। सही, तो हम तो मुतालबा करते रहे हैं कि ऑडिट किया जाए। सर, आप ये कह रहे हैं कि जरूर चाहेंगे कि ओवरऑल जो हम देख रहे हैं सिचुएशन बन चुकी है, इसमें हुकूमत जो भी टैक्टिक्स अपना रही है साथ साथ कुछ कोशिशें भी जो है वो हम देख रहे हैं कि अगले इलेक्शन के हवाले से की जा रही है। कल रात को एक खबर आई और उन्होंने कहा कि हमने मुल्क को जो है लोड शेडिंग फ्री भी कर दिया है। क्या समझते हैं जो दावे किए गए थे अपने चुनौती पूरा करने के, नून लीग उन दावों को किस हद तक पूरा कर सकी है? ये बहुत बड़ा और बहुत ही झूठा दावा है। मुल्क इनको ये नहीं बताते कि पाकिस्तान के 25 से 30% घरों में बिजली नहीं है। ये नहीं बताते कि पाकिस्तान की जो फैक्ट्रियां हैं वो एक से ज्यादा शिफ्ट नहीं चला सकती। क्या कमी पूरी कर ली है? जो पाकिस्तान की इस वक्त मजमूई पैदावार की जो इस्तेमाल है वो है 22,000 मेगावाट, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं 15 से 16,000 क्योंकि सर्दियों में एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल नहीं होता और Exactly. हर जगह उसकी फराहमी मुमकिन हो रही है। तो ये समझते हैं इनका कारनामा बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ कह रहे हैं कि पाकिस्तान में लोगों को बिजली तो पहुंचाएं, गाँव में देहात में वहां पे बिजली नहीं है। ये कहते हैं जी कमी पूरी होगी, कमी नहीं पूरी हुई। पाकिस्तान में इससे दुगनी बिजली चाहिए, पाकिस्तान में इससे दुगनी बिजली चाहिए। पीटीआई के रहनुमा नईमुल हक साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, अहम उमूर के क्वेश्चन कर रहे थे, नून लीग के हवाले से नून लीग की सियासत को तनकीद का निशाना बना रहे थे, साथ साथ जो बिजली की लोड शेडिंग से पाकिस्तान को करने का कल बयान हमने देखा उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, पाकिस्तान को इससे दुगनी बिजली चाहिए। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।